हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल समाचार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड लेवल फर्स्ट सेकंड ग्रेड एचएम और एसआई के रिजल्ट की अपडेट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड लेवल प्रथम वेटिंग रिसीवल परिणाम जारी करने व नियुक्ति देने की फाइल आज शाम को स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन होकर राज्य निर्वाचन आयोग चली गई है। कल मुख्य चुनाव अधिकारी साहब से मिलकर आगे की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाने के लिए निवेदन करूंगा। तो उपेन यादव ने यहाँ पर रीड लेवल फर्स्ट के लिए अपडेट की है और उनकी फाइल स्क्रीनिंग कमेंट से अनुमोदन हो चुकी और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। रीड लेवल टू रिसेबल वेटिंग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जयपुर जिला परिषद ने पंचायत समितियों को कर दी है। वो रीड लेवल टू के वालों के लिए खुशखबरी है, उनके रिसेबल वेटिंग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश वहाँ पर कर दी गई है। पुराने आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, हेडमास्टर 2018 में सही भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार है, लेकिन परिणाम जारी करने को लेकर कार्मिक विभाग और सरकार के निर्देशों को इंतजार किया जा रहा है और नए आरक्षण के प्रावधानों को लेकर परिणाम जारी करने को लेकर सरकार ने आरपीसी को मना कर रखा है और चुनाव को देखते हुए सरकार कोई भी विवाद खड़ा करना नहीं चाहती अभी। तो दोस्तों, अभी मतलब इस कारण रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए और बाद में इन सभी को आरक्षण देते हुए रिजल्ट निकाला जाए और जो नए आरक्षण लागू हुए उन सभी को सरकार लागू कर सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने महेशचंद मीणा की आरटीई पर 11 अप्रैल को स्पष्ट कहा कि ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को 5% एवं निःशक्त जन को 4% आरक्षण उक्त पदों के विज्ञापन जारी होने के बाद दिया गया है, जो भर्ती पर लागू नहीं होता है। तो आरटीई से स्पष्ट होता है कि आरपीसी ने जिन भर्तियों का विज्ञापन पहले जारी हो चुका है उन भर्तियों पर पुराने आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। तो दोस्तों, भर्तियों में जो आरक्षण का प्रावधान आरपीसी लागू करेगी वही नियम अधीनस्थ बोर्ड में भी लागू होंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।